यही कि तुम पार्टी माने के लिए मुझे क्यों पूछ रही थी। बोल तू। अरे पगली बोल। सीन वन। नाइस रेस्टोरेंट डूड। स्टार्ट नहीं करना है। सीन टू। अच्छा सुन। I'm so sorry. Shut up. I want to look good in the party. ओह कैसा था? Oh my God, I don't know कि क्या है कि तुम कैसे एडिट करोगे मुझे अच्छा दिखाना। यस तुम लोगों की तरह नहीं आउटिंग हो। यार इट्स सो मच फन। नेक्स्ट वीक है तू आना चाहेगा? तू ही जा अपनी घटिया पार्टी में, मुझे नहीं आना। ठीक है नहीं आना है मत आ। क्या करे जा। तुम ये बोल सकते हो और तुम नहाई भी नहीं ऐसे है ना फनी हो जाएगा। वैसे वास ना करना, काफी शूट कर रहा है तुझ पे। पर मारूंगा तुझे ना। I'm so sorry. कैसे था? अच्छा था। ए मुझे बता मैं कैसे करती। सही था। ओवर एक्टिंग तो काम था। मैंने उसको बोला मैं ओवर एक्टिंग करूंगी। और मेरे पास एक ही लाइफ जैकेट होगा तो मैं किससे बचाऊंगा तुझे पता है? हाँ ये मैं बोल रहा हूँ भाई। तू बोलेगी मुझे पता है। पता है। मैं तुझे मिस करूंगा। कंटिन्यू में बोलो फिर। नहीं नहीं तू बोलेगी कि हाँ मुझे पता है पर मुझे तुझसे सुनना है। अच्छा ठीक। वेल मैं तुझे मिस करूंगा बाहर आने के बाद। हाँ सीन थ्री। हाँ ब्रो वहाँ पे चल जाए एक मिनट। ठीक है। अच्छे नहीं लग रहे। अरे क्या? सही लग रहा है। सही लग रहा है। सम्यक टेल मी। अरे तू इतनी अच्छी दिख रही है अब क्या चाहिए तुझे? थैंक्स। हम लोग तो मेकअप भी क्या करें, हम लोगों को समझ भी नहीं आता। मेकअप करना होता था फेस वॉश मार के। नहीं फाउंडेशन और होता है ना फाउंडेशन कॉम्पैक्ट होता है लड़कों का भी। पता नहीं मैं तो बस फेस वॉश मार लेता हूँ, बस पानी मार लेता हूँ, नेक्स्ट हो गया मेरा। नम्रता बोल रही कि इतनी अच्छी मैं दिख रही हूँ, आपने अभी तक कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। आते ही मैंने बोला मैं तुझे अनकम्फर्टेबल। इस बार रेंट नहीं करेगी ड्रेस। अरे हाँ। नाइस नाइस। अरे सुन तू ना बीच में मत बोल। अच्छा वो दोनों लाइन पार्ट मतलब एक ही पार्ट था मेरा राइट। ओके स्टार्ट अप नहीं बोला तुझे बीच में। ये तो फ्लो में आ गई थी सच में। नॉर्मल कन्वर्सेशन लगना चाहिए ना। हाँ ठीक है लाफिंग साउंड लगाने वाला हूँ तो तू बोलेगी ना तो फिर वो माइक कैच करेगा। तो ना मेरा डायलॉग कंप्लीट हो रहा है ना, तो 5 सेकंड तक कुछ मत बोल। यही कि तुम पार्टी माने के लिए मुझे क्यों पूछ रही थी। बोल तू। अरे पगली बोल। बाल ना धोना काफी सूट करता है तुझ पे। थैंक्स मुझे हर चीज सूट करती है। ये इसको समझ में नहीं आया बोलू क्या। ठीक है हाँ दिख रहा है क्या? थोड़ा सा स्लाइड नीचे ले स्लाइड। अरे मेरा मतलब था वो शैम्पू जो यू यूज लाइक योर हेयर लुक्स ऑसम। पता नहीं यार सॉरी यार। फैशन कंपटीशन में हम लोग सिलेक्ट थोड़ा ना करते हैं किसी को, फैशन कंपटीशन नहीं होता है कुछ और होता है वो। मुझे पता है मैंने बोला था चेंज कर दूंगा, मैं भूल गया चेंज करना। क्या बोलते हैं उसको फैशन शो में होता है ना सिलेक्शन? अच्छा फैशन शो में होता है नहीं बच्चा, अगर मॉडलिंग वगैरह का कुछ कॉन्टेस्ट होता है ना क्या बोलते हैं उसको? ब्यूटी कॉन्टेस्ट। हाँ ब्यूटी कॉन्टेस्ट बोलते हैं, वो ज़्यादा बेटर लगेगा। ब्यूटी कॉन्टेस्ट यस। ठीक है दे शुड सेलेक्ट मी 3 टाइम्स। वैसे मेरा बोलेंगे किसको मेरा, लिया और 3 टाइम। मेरा एक्चुअल डायलॉग था मैंने किसी पे यूज़ किया था। अरे वाह सो सिंपल है यार लाइक दे शुड जस्ट सेलेक्ट यू 3 टाइम्स।
ओ माय गॉड निखिल, डोंट डू दैट प्लीज. तुम हंस के रहे. और किस बड़े आदमी ने कहा है ये? मैंने. इन द सेम वे इफ यू वांट. यार मैंने ना मैंने मैंने जान मुझे अपने लिए नहीं रखा. कितने लोगों को सिलेक्ट करने वाले हैं वो? तीन. ओवर एक्टिंग तो देखो इसका. तीन तीन तीन. यू विल गेट ओवर मी बाय लूजिंग मी. सब सही था तेरा. फर्स्ट सेंटेंस के बाद ना जो लंबा जो दूसरा सेंटेंस है ना उसको धीरे धीरे बोल, क्योंकि ना तो इंटेंसली अगर किसी को कुछ समझा रही है ना, जैसे अभी मैं कैसे बोल रहा हूँ, अगर मैं तुझे कुछ समझा रहा हूँ तो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, लो साउंड बोल रहा हूँ, स्लोली बोल रहा हूँ. ओके. यू कैन यूज लो एंड स्लो, तो वैसे में तेरा प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट आएगा एंड इंटेंस भी लगेगा. ओके. व्हाट इफ आई कैन गेट ओवर यू? ट्रस्ट मी यू विल. एंड इफ यू कैन गेट ओवर मी बाय बीइंग विद मी, व्हाट आर द चांसेस कि you will get over me by losing me. I'm looking good. Oh. Ask him. अब जो सगल होगी वैसे ही दिखेगी ना. What if I can't get over it? Trust me, you will get over it. And ज़्यादा हो गया. मुझे लगा थोड़ा सा flow में आएगा अच्छे से. If you can't get over me by being with me, the chances are ऑर्डर.